मौत मरने वाले का मुंह मरते वक्त किबले की तरफ कर दें और ख़ुद वो यानी करीबुल मर्ग आदमी यह दुआ मांगे अल्लाह और ला वालहक्नी इल्लल्लाह पढ़े और अल्लाहआन मौत व मौत पढ़े जिसका तर्जमा है ए अल्लाह मेरी मखफ़रत फरमा और मुझ पर रहम फरमा और मुझे ऊपर वाले साथियों में पहुँचा दे। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं ए अल्लाह मौत की सख्तियों के इस वक्त में मेरी मदद फरमा मसला जब किसी पर मौत का असर जाहिर हो तो उसको चित लिटा दो इस तरह के किबला उसके दाहिनी तरफ हो और सर को जरा किबले की तरफ घुमा दो या उसके पाओ किबले की तरफ कर दो और सर के नीचे तकिया वगैरह रख कर जरा ऊंचा कर दो इस तरह भी किबला रुख हो जाएगा लेकिन अगर मरीज को किबला रुख करने से तकलीफ़ हो तो उसके हाल पर छोड़ दो फिर उसके पास बैठ कर कलम शहादत की तलकिन इस तरह करें कि कोई उसके पास बुलंद आवाज़ से कहे अशहदा अलाद शरीक व अशहद्ल महमदना अब्द अब्दुहू व रसूलू और उसको कलमा पढ़ने का हुक्म न करो क्योंकि वो वक्त बड़ा मुश्किल है ना मालूम कि इसके मुंह से क्या निकल जाए मसला जब वो एक दफ़ा कलमा पढ़ ले तो चुप हो रहो, ये कोशिश ना करो कि बराबर कलमा जारी रहे और पढ़ते पढ़ते दम निकले क्योंकि मतलब तो फकत इतना है कि सबसे आखिरी बात जो उसके मुंह से निकले कलमा होना चाहिए इसकी ज़रूरत नहीं कि दम टूटने तक कलमा बराबर जारी रहे हाँ अगर कलमा पढ़ लेने के बाद फिर कोई दुनिया की बातचीत करे तो फिर कलमा पढ़ने लगो जब वो पढ़ ले तो फिर चुप हो रहो मसला जब सांस उखड़ जाए और जल्दी जल्दी चलने लगे और टांगें ढीली पड़ जाएं कि खड़ी न हो सकें और नाक टेढ़ी हो जाए और कनपटियां बैठ जाएं तो समझो कि इसकी मौत का वक्त आ गया इस वक्त कलमा ज़ोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो मसला सुर यासीन पढ़ने से मौत की सख्ती कम हो जाती है इसके सिरहाने या और कहीं इसके पास बैठकर पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो मसला इस वक्त कोई बात ऐसी ना करो कि उसका दिल दुनिया की तरफ माइल हो जाए क्योंकि ये वक्त दुनिया से जुदाई और अल्लाह ताला की दरगाह में हाजिरी का वक्त है ऐसे काम करो ऐसी बातें करो कि दुनिया से दिल फिर कर अल्लाह तरफ़ माइल हो जाए कि मुर्दे की खैर खाही इसी में है ऐसे वक्त में बाल बच्चों को सामने लाना या और कोई चीज़ जिससे उससे ज्यादा मोहब्बत थी इसे सामने लाना ऐसी बातें करना कि दिल इसका उनकी तरफ माइल हो जाए और उनकी मोहब्बत उसके दिल में समा जाए बड़ी बुरी बात है कि दुनिया की मोहब्बत लिए रुखत हो मसला मरते वक्त अगर उसके मुंह से खुदा ना खासा कुफर की कोई बात निकले तो उसका ख्याल न करो न उसका चर्चा करो बल्कि ये समझकर कि मौत की सख्ती की वजह से अकल ठिकाने नहीं रही इस वजह से ऐसा हुआ और अकल जाते रहने की वक्त जो कुछ हो सब माफ है और अल्लाह ताला से उसकी बख्श की दुआ करते रहो जब मौत वाक़ हो जाए तो अहल तल्लु ये दुआ पढ़ें इन्ना, इन्ना जुर फ़ी मुसीबती मख्लुफ़ली खैरमिन

तो कपड़े की एक चूड़ी चौड़ी पट्टी लेकर मैत की ठोड़ी के नीचे से निकालकर सर पर लगाकर गिरह लगा दें और नरमी से आंखें बंद कर दें और उस वक्त ये दुआ पढ़ें बिसमिल्लासूल अल्लाह मैसर आलही अमर वसा मबादा व असाद बिल्का वही कई रम खराजान हो तर्जमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और रसूल्लासम के दीन पर इस मैत पर इसका काम आसान फरमा और इस पर वो हालात आसान फरमा जो अब इसके बाद आएंगे और इसको अपने दीदार मुबारक से मुशरफ फरमा और जहाँ गया है यानी आखिरत इसको बेहतर कर दे इस जगह से जहाँ से ये गया है यानी दुनिया से मसला फिर इसके हाथ पांव सीधे कर दें और पैरों के अंगूठे मिलाकर कपड़े की कतर वगैरह से बांध दें फिर उस एक चादर उड़ाकर, फिर उसे एक चादर उड़ाकर चारपाई या चौकी पर रखें ज़मीन पर ना छोड़ें और पेड़ पर कोई लंबा लोहा या भारी चीज़ रख दें ताकि पेट न फूले। गुसल की हाजत वाले आदमी और हैज या निफास वाली औरत को इसके इसके पास ना आने दो। फिर इसके दोस्त अहबाब को खबर कर दो ताकि उसकी नमाज में ज्यादा से ज्यादा शरीक हो और उसके लिए दुआ करें मसला अगर मैसर हो तो खुशबू जलाकर मैत के करीब रख दो मसला गसल से पहले मैत के पास कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं मसला तजह तकफीन में बहुत जल्दी की जाए सबसे पहले कब्र का बंदोबस्त करो और गसल कफन जनाजा और दफन का सामान फराहम कर लो जिसे अपने अपने मौके पर इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे सामान की फहरिस्त आगे आ रही है मसला अगर जुमे के दिन किसी का इंतकाल हुआ हो तो अगर जुमे की नमाज से पहले कफ़न दफन हो सके तो ज़रूर कर लें सिर्फ़ इस ख़याल से जनाजा रोक रखना कि जुमे के बाद मज़मा ज़्यादा होगा ये मकरू है जो शख्स हालत एहराम में फौत हो जाए उसकी तजह व तकफीन मसला जो शख्स हज या उमरे के लिए गया हो और एहराम की हालत में फौत हो जाए तो उसकी तजह व तकफ़ी और गसल वग़ैरह सब उसी तरह किए जाएंगे जिस तरह दूसरे लोगों के लिए किए जाते हैं क्योंकि मौत से इसका एहराम ख़त्म हो जाता है लिहाजा उसका सर ढंकना और खुशबू लगाना वगैरह सब उसी तरह होगा जिस तरह आम मुसलमानों का होता है जो शख़्स बहरी जहाज़ में फौत हो जाए मसला अगर कोई शख्स पानी के जहाज़ या कश्ती वगैरह में फौत हो जाए और खुश्की की वहाँ से इस कदर दूर हो कि नाश के ख़राब हो जाने का अंदेशा हो तो उस वक्त चाहिए कि गसल कफ़न और नमाज जनाजा से फारग होकर उसके कफन को उस पर अच्छी तरह बांध कर दरिया में डाल दें और उसके साथ कोई वज़नी पत्थर या लोहा वगैरह भी बांध दें ताकि नीचे बैठ जाए और अगर किनारा इतनी दूर ना हो और नाश के खराब होने का खतरा ना हो तो नमाज जनाजा पढ़कर नाश को रख छोड़ें और पहुंचकर जमीन में दफन कर दें गल और कफन वगैरह में काफिर के साथ मामला ऊपर तक के तमाम मसाइल मुसलमान मैयत के मुतालिक लिखे गए हैं मैयत अगर काफिर हो और उसकी लाश ठिकाने ठिकाने लगा, लगानी पड़े या मुसलमान मैयत के रिश्तेदारों में कोई शख्स काफिर हो तो उसके मसाइल यहाँ लिखे जाते हैं मसला मरने वाला अगर मरतद हो यानी पहले मुसलमान था फिर काफिर हो गया और काफिर ही मरा तो उसका गसल और कफन और नमाज जनाजा कुछ ना होगी ना मुसलमानों के तरीके से उसका जनाजा उठाया जाएगा और ना उसके हम मजहब काफिरों तक उसकी लाश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी बल्कि किसी गढ़े में कुत्ते की लाश की तरह डाल दिया जाएगा मसला जो काफिर मर्तद नहीं बल्कि शुरू ही से काफिर था और इसी हालत में मर गया तो अगर इसका कोई रिश्तेदार इसका हम मजहब मौजूद हो तो बेहतर यह है कि उसकी लाश उसी के लिए छोड़ दी जाए ताकि वो जिस तरह चाहे उसे दफन वगैरह करें और अगर उसका कोई रिश्तेदार उसका मजहब का ना हो तो उसके मुसलमान रिश्तेदारों पर उसका गसल व कफ़न वाजिब तो नहीं अलबतः उसके लिए इतना जायज़ है कि गसल और कफ़न और दफन का जो मसनून तरीका आगे मुसलमानों के लिए आ रहा है इसकी रियायत किए बगैर उसे नापाक कपड़े की तरह धोकर किसी कपड़े में लपेटकर किसी गढ़े में दबा दें मसला अगर किसी मुसलमान मैयत के सब रिश्तेदार काफिर हों तो उसकी व तकफीन नमाज जनाजा और दफन करना मुसलमानों के ज़िम्मे फ़र्ज किफाया है उसकी लाश काफिर रिश्तेदारों के हवाले न की जाए काफिर रिश्तेदारों को उसे गसल देने का हक भी नहीं है मसला किसी मुसलमान को दफन करने के लिए उसके काफिर रिश्तेदार को कबर में दाखिल न किया जाए मसला अगर किसी मुसलमान मर्द का इंतकाल ऐसी जगह हो जाए कि कोई मुसलमान मर्द वहां मौजूद न हो ना उसकी बीवी हो जो उसे गसल दे सके बल्कि सिर्फ मुसलमान औरतें और काफिर मर्द हों तो ऐसी मजबूरी में मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो किसी काफिर मर्द को गसल देने का तरीका बतला दें क्योंकि किसी मर्द को गसल देना बीवी के सिवा किसी औरत को जायज़ नहीं वो काफिर उसे गसल दे दें फिर मुसलमान औरतें उस पर नमाज जनाजा पढ़ लें